theory which comes into picture is the germplasm theory. So we have germplasm theory. बेटा इस थियरी को एक और नाम दिया जा सकता है, इट इज नोन एज थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म. एज आई सजेस्टेड ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं कि ये जो थियरी थी ये दी थी ऑगस्ट वीजमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने जो कि डार्विन का फॉलोअर था. राइट, ही वाज अ जर्मन बायोलॉजिस्ट. सो इट वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑगस्ट वीजमैन. राइट बेटा, व्हाट ही सेड, वीजमैन का सिंपल सा कहना था, इन्होंने कहा कि सारे कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते आने वाली प्रोजेनी में, आने वाली जनरेशंस में केवल वही कैरेक्टर्स जाएंगे जो कैरेक्टर्स आपके जर्म प्लाज्म में होंगे, यानी आपके जो जर्मिनल सेल्स हैं उसके प्रोटोप्लाज्म में होंगे. राइट, सो एज पर वीजमैन द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ओनली बाय germplasm, that is the protoplasm of germ cells या gametes, यानी sperms and eggs में जो changes हुए केवल वही progeny में जाएंगे. right, are inherited by next generation while changes in somatoplasm, that is the protoplasm of somatic cells, right? जो germinal नहीं है वो है somatic cells. Are not inheritable. यानी सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने बोला वही कि जो बात लेमार्क ने बोली कि सारे के सारे acquired characters are inheritable. That's absolutely incorrect. और इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने अपनी ये थ्योरी दे दी. इनकी थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रूफ. इन्होंने क्या किया था टू प्रूव हिज थ्योरी, इन्होंने चूहे पाले और उन चूहों की पूंछ काटते रहे करीबन 20 से 22 जनरेशंस तक. और उसके बाद भी इन्होंने पाया कि प्रोजेनी की पूंछ गायब होना तो दूर, छोटी तक नहीं हुई. यानी वो चेंजेस जो कि उन्होंने सोमेटिक सेल्स में किए थे वो कभी भी इनहेरिट नहीं हो पाए. वही वाली बात कि अगर आपने कान छिदवाएं तो आपकी आने वाली प्रोजेनी छिदे हुए कानों के साथ या पियर्स्ड ईयर के साथ पैदा नहीं होगी. राइट, टू प्रूव हिज थियरी ही कंटिन्यूड cutting tails of mouse
फॉर ऑन 20 to 20 मैं अप्रोक्स ले लेती हूँ, काफी बुक्स कहती हैं 20 generations, सम से 22 generations, फॉर ऑन 20 generations बट स्टिल द लेंथ ऑफ टेल्स ऑफ अपकमिंग जनरेशंस रिमेन्ड अनअफेक्टेड। राइट, सो ये बात इनकी बहुत सिंपल सी थी कि भाई अगर आपको चेंजेस चाहिए उनकी और आप चाहते हो कि वो इनहेरिट हो, तो सो दोस चेंजेस शुड बी इन दी जर्मिनल सेल्स या गेमीट्स में होने चाहिए, तो ही केवल वो आने वाले जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। राइट, बट यहां पर इवोल्यूशन के बारे में कोई मेजर जिक्र नहीं था। सो लमार्क ने जो अपनी थियरी प्रपोज की, लमार्किज्म प्रपोज किया, दे वॉज रिजेक्टेड बाय दिस थियरी। बट कोई अगर कोई संत होता है तो उसके बहुत सारे फॉलोवर्स भी होते हैं, तो ये तो साइंटिस्ट थे। राइट, सो लमार्क जितने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने कहीं ना कहीं एक ऐसी बात कह डाली जो कि कुछ हद तक सही भी थी, राइट, तो उनके भी बहुत सारे फॉलोवर्स थे। जब आसाराम के फॉलोवर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो लमार्क के फॉलोवर्स कैसे मान लेते कि लमार्क गलत है? सो लमार्क के जो फॉलोवर्स थे, दे गेव अ न्यू थियरी जिसे उन्होंने नाम दिया नियो लमार्किज्म, नव लमार्कवाद। सो हियर केम द नेक्स्ट थियरी, नियो लमार्किज्म। बेटा पूरा इवोल्यूशन एक कहानी है, जब तक कहानी की तरह पढ़ोगे समझ में आता जाएगा, जिस दिन आपने इसे रटना शुरू किया यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट। Right, so neo-Lamarckism was proposed by followers of Jean-Baptiste de Lamarck. Right, neo-Lamarckism क्या था बेटा? neo-Lamarckism उन्होंने बोला जी लमार्क चाहे तो दुनिया इधर की उधर हो जाए पर लमार्क गलत नहीं हो सकते। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो नियो लमार्किज्म है ये मिक्सचर है दो थियोरीज का, इट इज लमार्किज्म प्लस ऑगस्ट वीजमैन की जर्म प्लाज्म थियोरी। यानी कैसे मिक्सचर किया दोनों का, इनका कहना क्या था, फ्लोचार्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं बेटा। सी, जब भी चेंजेस होंगे एनवायरमेंट में, चेंजेस इन एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस और डेवलप न्यू नीड्स, राइट, और आई एम राइट इन्फ्लुएंस ओनली, इन्फ्लुएंस न्यू नीड्स, इनकी वजह से क्या होंगे, इनकी वजह से क्या चेंज होगा? जब जरूरतें चेंज होंगी तो ऑर्गन्स के यूजेज चेंज होगा, यूजेज ऑफ ऑर्गन्स इज इन्फ्लुएंस्ड, जस्ट अ मिनट, राइट बेटा, इसकी वजह से यूज एंड डिसयूज होगा ऑर्गन्स का, यूज एंड डिसयूज, जो ऑर्गन ज्यादा यूज हुए वो काम आएंगे, वो ग्रो कर जाएंगे, वहीं पर जो ऑर्गन्स कम यूज हुए वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। राइट, अब ये चेंजेस किन में हुए? सोमैटिक सेल्स में हुए। So such changes in
सोमैटोप्लाज्म इन्फ्लुएंस किसको चेंज, ये चेंजेस जो कि सोमैटोप्लाज्म में किसको इन्फ्लुएंस करेंगे, दे इन्फ्लुएंस दी जर्म प्लाज्म, और जैसे ही जर्म प्लाज्म में चेंजेस आएंगे इसकी वजह से होगा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, राइट। सो अभी तक भी ऐसी कोई थियरी हमें नहीं मिल पाई थी जो कि एब्सोल्युटली परफेक्ट हो, जो इस बात को बता सके कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा, राइट। सो इसी दौरान एक नई थियरी बेटा सामने आई विच वॉज प्रपोज्ड बाय डार्विन, और इस थियरी को इसीलिए नाम दिया गया डार्विनिज्म या डार्विनवाद कह सकते हैं इन हिंदी। सो व्हाट वाज डार्विनिज्म, इट वाज अ थियरी व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे, he was a British naturalist, nature की study करने वाले एक scientist, though he was actually a doctor, a medical professional, but he was not interested into medicine and he had a keen interest in nature, और इसीलिए nature की study करने के लिए ये एक naturalist बन गए। ये British royal family के एक दरबारी हुआ करते थे और वहीं से ये एक स्पेशल समुद्री यात्रा पर गए और वो समुद्री यात्रा ही बेस बनी डार्विनिज्म का। उसी के यात्रा से वापस आने के बाद ही इन्होंने थियरी प्रपोज की, राइट। सो ही प्रपोज्ड दिस थियरी आफ्टर हिज वॉयज, समुद्री यात्रा 5 साल लंबी समुद्री यात्रा थी ये, टू गैलापागोस आइलैंड्स। वैसे तो बहुत सारे आइलैंड पे गए पर उनमें से मेन आइलैंड यही था बेटा, ऑन पूछ लिया जाता है कई बार किस शिप से गए थे, एचएमएस बीगल। एचएमएस का मतलब है हर मैजेस्टीज शिप, जिसका नाम था बीगल। तो इस शिप पर ये गए थे एंड यू वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, और वहां जाकर के इन्होंने जो स्टडीज करी, रास्ते में कई बुक्स भी पढ़ी, कई एसेज पढ़े, और उसके बेसिस पर आकर के इन्होंने अपनी ये बुक, अपना ये जो थियरी थी ये प्रपोज कर दी। गैलापागोस आइलैंड आर कंसीडर्ड रियली रियली इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। इन्हें हम कहते हैं लिविंग लेबोरेटरी, क्योंकि यही बेस बने ना इवोल्यूशन के। सो लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन, राइट। ये है कहां पर, these islands are, these are group of islands, छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, बहुत सारे islands हैं। these are situated on western coast of South America, right। और Darwin ने यहां पर किन किन चीजों की study करी, पहला तो study इन्होंने उस चीज की करी जिसके basis पर ये नाम दिया गया गैलापागोस का, मतलब होता है बड़े कछुए। सो यहां इन्होंने स्टडी करी थी बड़े कछुओं की, ही स्टडीड फिंचेस, डार्विन्स फिंचेस कहते हैं, स्पेशल बर्ड्स थी ये, एंड जायंट टॉर्टस एटसेट्रा।
राइट बेटा? So, ये था अबाउट गैलापागोस आइलैंड, यहां पर इन्होंने काफी चीजों की स्टडी करी, राइट? सो इस वॉयज से आने के बाद ही इन्होंने ये बुक लिखी, इसका मतलब काफी चीजों का वॉयज पर हुई, काफी ऐसी चीजें होंगी जिनका इन पे बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा, और उसी इन्फ्लुएंस ने इन्हें फोर्स किया कि भाई चलो कुछ लिखो, राइट अ थियरी, कोई ऐसा प्रपोजल दो जिससे कि दुनिया को पता चले कि एक्चुअली इवोल्यूशन हुआ है, राइट? सो ही हैड सर्टेन इन्फ्लुएंसेस. So let's talk about the influences. On Darwin. अब सबसे पहला इन्फ्लुएंस तो हमें पता ही है बेटा कि गैलापागोस आइलैंड की जो विजिट थी, there was a very first influence on him, जहां पर इन्होंने स्पेशली फिंचेस की स्टडी की थी, और इसी वजह से इन फिंचेस को भी नाम दे दिया गया डार्विन्स फिंचेस, राइट? सो द वेरी फर्स्ट वन वॉज डार्विन्स फिंचेस. क्या स्पेशल है इनके बारे में? डार्विन्स फिंचेस हैं 13 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बर्ड्स. इन बर्ड्स की स्पेशलिटी क्या है बेटा? दे अडेप्टेड शेप एंड साइज ऑफ देयर बीक्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स. चेंज फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने चेंज कर अपनी बीक्स को अडेप्ट कर लिया था, उनके शेप में चेंज ले आए. तो ये जो फूड हैबिट्स हैं चेंज क्यों हुई? कॉज माना जाता है दीज आर कंसीडर्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम सीड ईटिंग वैरायटी विच माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका. माना जाता है बेटा कि साउथ अमेरिका से जो इनकी पूर्वज फिंच थी वो कभी इस आइलैंड पर पहुंची होगी, इस आइलैंड पर कंपटीशन नहीं मिला, अलग अलग फूड हैबिटेट थी, आई मीन फूड हैबिट्स इनको मिली, नई फूड हैबिटेट थी, कोई कंपटीशन नहीं था, तो इन्होंने अपने अपने खाने के अनुसार अपनी अपनी चोंचों को ढाल लिया. यानी इस तरीके से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया कि ये अपने ओरिजिनल से, ये ओरिजिनल मान लेते हैं, और ये हैं वैराइटीज जो इनसे दूर जा रही हैं, राइट? सो दे हैव दे ऑल हैव डाइवर्ज्ड आउट ऑफ इट, राइट? सो इसको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूं. ये एग्जाम्पल हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, या कह सकते हो यहां पर क्या मिल रहा है बेटा, अडेप्टेशन की वजह से डाइवर्जेंस है, अडेप्टिव डाइवर्जेंस. गॉट दैट? सो ये इनका पहला इन्फ्लुएंस था. इसके अलावा इन्होंने वॉयज के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, एसेज भी पढ़े. सो उनमें से एक चीज जिसका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, दैट वॉज अ बुक बाय चार्ल्स लेल. हेडिंग्स को ग्रीन में डाल देती हूं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. देयर वाज अ बुक बाय चार्ल्स लेल. बेटा इस बुक का नाम था Principles
ऑन जियोलॉजी, राइट। यहां पर चार्ल्स लेल ने एक्सप्लेन किया था यूनिफॉर्मी टेरनिज्म, यानी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है, अर्थ में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए, कभी भी किसी भी तरीके की जो एनवायरमेंटल जितनी भी आपकी नेचुरल कैलामिटीज हैं, बाढ़ तूफान सब आते रहते हैं, बट फिर भी अर्थ में और पॉपुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है, ये इस बुक के अंदर कहा गया था। तो इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुए, राइट। सो द बुक्स नेम वॉज प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी, और इसने क्या एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, दैट इज डिस्पाइट कंटिन्यूअस चेंजेस अर्थ एंड इट्स पॉपुलेशन, हैज ऑलमोस्ट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट और रिमेन्ड यूनिफॉर्म। चेंजेस है फिर भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है, राइट। तो चार्ल्स लेल की जो बुक थी, इसका बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा इन पे, और इसी वजह से ये डार्विनिज्म के एक पॉइंट का आधार भी बनी। ये जो आइडिया था यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का, दैट टर्न इनटू एन आइडिया ऑफ वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म टू। डार्विनिज्म इसका जिक्र होगा बेटा, मैं वहां पर दोबारा इनको इन इन्फ्लुएंसेस को लेती रहूंगी, राइट। नेक्स्ट इन्फ्लुएंस जो इनके ऊपर पड़ा वो था इनके एक फ्रेंड थे, उनके लिखे हुए एसे का। सो देयर वाज एन एसे, बेसिकली अ पेपर बाय टी आर माल्थस। इनके काफी क्लोज फ्रेंड थे, वॉयज के टाइम पर इन्होंने इसे भी बहुत ध्यान से पढ़ा। इस एसे का टाइटल जो था, दैट वाज एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। राइट बेटा, जो टी आर माल्थस थे, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने अपनी बात को इकोनॉमिस्ट की लैंग्वेज में ही बोला। इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन रेट एनिमल्स का बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिजम्स का इन जनरली बहुत ज्यादा है, बट कोई ना कोई लिमिटिंग फैक्टर होता है, रिसोर्सेस कम है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितना तेजी से रिप्रोडक्शन हो रहा है, और इसी वजह से पॉपुलेशन के ऊपर एक हॉल्ट लग जाता है, वरना पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़े, राइट। सो जो ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ये क्या हैं, रिसोर्सेस जो कि कम तेजी से बढ़ रहे हैं। सो व्हाट डिड ही एक्सप्लेन, ही एक्सप्लेन्ड दैट पॉपुलेशन इज ग्रोइंग जियोमेट्रिकली वाइल रिसोर्सेस ग्रो अर्थमेटिकली। तो उतनी अच्छी ग्रोथ इसकी नहीं है। इसी वजह से ये जो रिसोर्सेज जिनकी ग्रोथ सिर्फ अर्थमेटिक वे में हो रही है बेटा, दे एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन, और इसको भी बेटा ये जो आइडिया था ये भी डार्विनिज्म के एक पॉइंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया। आखिरी और सबसे जरूरी जो इन्फ्लुएंस था, दैट वाज अ पेपर बाय अल्फ्रेड रसल वॉलेस। इनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने बायो जियोग्राफिकल स्टडी के बारे में बात किया था। इन्होंने रीम्स में डिवाइड किया था अर्थ को, और वहां पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की थी। ये डार्विन के ही काउंटर पार्ट थे, बट ही वॉज वर्किंग इन डिफरेंट सेटअप, अ डिफरेंट एरिया। ही वॉज वर्किंग इन मलय आर्किपेलागो, जिसको आज की डेट में हम इंडोनेशिया कहते हैं। और इनके भी जो ऑब्जर्वेशन थी वो काफी हद तक डार्विन जैसी थी, तो इन्होंने अपना पेपर बाय पोस्ट डार्विन को भेज दिया, और डार्विन ने इन सारे इन्फ्लुएंसेस को लेकर के अपनी थ्योरी प्रेजेंट कर दी। यानी सिंपल तरीके समझो तो जी, डार्विन ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो कि स्पेशली उन्होंने बहुत सोच के किया हो। ही हैड सर्टेन इन्फ्लुएंसेस इन्होंने लिए अपनी समुद्री यात्रा से, अपने फ्रेंड्स की दो बुक्स पढ़ी और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के पेपर को पढ़ा। दो इट्स जस्ट टू टेल यू बेटा, ये याद करने का सिर्फ तरीका है, कहानी बना रही हूँ मैं आपके लिए। इट वॉज अ बिग अचीवमेंट विद डार्विन हैड, बट सिर्फ याद करने के लिए मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको ईजी लगे। तो इन सब चीजों के इन्फ्रेंसिस को इन्होंने कलेक्ट किया और डार्विनिज्म प्रेजेंट कर दिया। गॉट दैट? सो अल्फ्रेड रसेल वॉलेस का जो पेपर था उसका टाइटल था On the tendency of varieties to depart indefinitely from their ओरिजिनल टाइप्स। इन्होंने लेटर लिखा कि भाई किस तरीके से स्पीशीज जो है, वेराइटीज जो है स्पीशीज की, वो किस तरीके से अपने ओरिजिनल एंसेस्टर से भी दूर निकल जाती हैं। तो इन्होंने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन इस पेपर पर लिख करके इनको भेज दी। राइट? ही वॉज वर्किंग इन मलय आर्किपेलागो, दैट इज मॉडर्न इंडोनेशिया बेटा। राइट? एंड ही हैड ऑब्जर्वेशंस similar to that of Darwin, right? So Darwinism एक collective effort था, not only of Darwin, but इसके अंदर Alfred Russel Wallace ने भी उतना ही effort लगाया था बेटा। But हम इसे Darwinism के form में इसलिए जानते हैं, Wallace को इतना credit नहीं मिल पाया क्योंकि Wallace के जो ideas थे वो कम weightage रख रहे थे, और Darwin was the one जिन्होंने एक्चुअली इस चीज को अपनी बुक के अंदर प्रेजेंट कर दिया था। राइट? सो लेट्स राइट इट। सो बेस्ड ऑन दीज इन्फ्लुएंसेस डार्विन proposed theory of natural selection and published it in his book
ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एक्चुअली नाम तो बहुत ही बड़ा है, बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सेलेक्शन, राइट। उसी में थियोरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इन्होंने प्रपोज की। बेटा ये प्रपोज करने से पहले ये लीनियन सोसाइटी के सामने एज अ पेपर प्रेजेंट की गई थी, सो इट वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ लीनियन society in form of a paper, in form of a paper. Got that, beta? So that was about Darwinism. कहाँ से इन्फ्लुएंस मिला? अब डार्विनिज्म है क्या? हमें ये तो पता चल गया भाई किस किस चीज से इन्फ्लुएंस मिला था. So there are certain key points ऑफ डार्विनिज्म. डार्विनिज्म पूरा बहुत बड़ा है बट उसके दो की पॉइंट्स हैं. क्या क्या है वो की पॉइंट्स? इन पर क्वेश्चन भी आ चुका है बेटा. दोस टू की पॉइंट्स आर नेचुरल सेलेक्शन, जिसके बारे में आपको पढ़ा रही हूं, जस्ट आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा. और दूसरा है ब्रांचिंग डिसेंट. एज यू सॉ जो डार्विन फिंचेस थी वो ब्रांच करके अपने ओरिजिनल टाइप से, अपने एंसेस्टर से डिसेंड कर गई थी, राइट. सो ये दोनों की पॉइंट्स बने डार्विनिज्म के. सो नाउ वी स्टडी अबाउट डार्विनिज्म. सो लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म. So the very first point, इस थियोरी को छोटे पॉइंट्स में जो बांटा गया उनमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था बेटा ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन कह सकते हो या हाई रीप्रोडक्शन रेट. राइट, हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनिज्म लगा हुआ है रिप्रोड्यूस करने में एट अ हाई रेट, ताकि उसकी जैसी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस बना रहे. राइट, सो इस पॉइंट को वैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव हाई पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन. राइट बेटा, इसको मैं अगर चाहूं तो कह सकती हूं हाई प्रोडिगैलिटी. राइट, हाई प्रोडिगैलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. राइट, और ऐसा है क्यों? सो एज टू मेंटेन their existence. अब आप बोलोगे मैम ये आपको कैसे पता कि वो एग्जिस्टेंस के लिए ही ऐसा कर रहे हैं? बट इफ यू सी, जिसका लाइफ स्पैन जितना छोटा होता है वो उतने ही ज्यादा तेजी से बच्चे पैदा करते हैं. जैसे इंसेक्ट्स हैं, उन्हें नहीं पता कि कब चप्पल पड़ी और लाइफ खत्म. तो इसी वजह से they produce at a higher rate. एक बार में कॉकरोच बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, वहीं पर ह्यूमन जिसका लाइफ स्पैन लंबा है वो कम तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है. बट दे हैव एवरीवन, ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन. राइट, यही बात बोली थी माल्थस ने कि जो पॉपुलेशंस हैं वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर ग्रो कर रही हैं. राइट, द सेकेंड पॉइंट वॉज व्हाट टैब डिड आई टेक? आई टेंड टू फॉरगेट द टैब्स. ओके, फर्स्ट सेकेंड. जो सेकेंड पॉइंट है डार्विनिज्म का, यानी डार्विनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो दूसरा पॉइंट लिया जा सकता है वो है
कि भाई इतना तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, पर फिर भी तो ऐसा नहीं हुआ ना कि हम सोए और सुबह उठे और पता चला कि आधी पॉपुलेशन हमारे इंडिया की ही वो अपने इंडियन ओशन में गिर गई है। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई अचानक से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ हो। इट हैज नॉट हैपन, राइट? सो देर इज स्टिल कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन। यही तो चार्ल्स लेल ने बोला था कि इतने सारे चेंजेस के बाद में भी कॉन्स्टेंट कंडीशंस या यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इज मेंटेन्ड, राइट? सो कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन क्यों है? सो देर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन पॉपुलेशन इज ऑब्जर्व्ड एज, क्यों ऐसा बेटा, रिसोर्सेस ग्रो अर्थमेटिकली वाइल पॉपुलेशन ग्रोज ज्योमेट्रिकली। समझ में आ गई चीज? दैट वॉज गिवन बाय टी आर माल्थस, राइट? देयरफॉर लिमिटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, और इसी वजह से अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स फेल टू रीच इनटू रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज में ही नहीं पहुंचेंगे तो फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, तो इसी वजह से पॉपुलेशन स्टिल कॉन्स्टेंट अभी तक मेंटेन्ड है। सो लिमिटिंग रिसोर्सेस की वजह से एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, एक लड़ाई बनी हुई है। सो देर वॉज द थर्ड पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। इन्होंने कहा देर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, राइट बेटा? तो ये जो अस्तित्व की लड़ाई है ये बेसिकली तीन तरीके की हो सकती है। दैट इज इंटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रगल, यानी दो स्पीशीज के बीच में लड़ाई, इंट्रा स्पेसिफिक यानी अपनी ही स्पीशीज में स्ट्रगल, और आखिरी लड़ाई जो कि इन्वायरमेंट से चलती है, दैट इज एनवायरमेंटल स्ट्रगल। एनवायरमेंटल स्ट्रगल में क्या आएंगे, कभी भी बेटा अचानक से भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो हर ऑर्गेनिज्म इस स्ट्रगल को फेस करता है जिसमें उसके काफी सारे इंडिविजुअल्स का लॉस हो जाता है, राइट? सो सबसे पहले बात करें इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल की। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रगल इन टू डिफरेंट स्पीशीज। सो इट इज फाउंड इन बिटवीन टू स्पीशीज। पर बेटा ऐसे ही तो दो स्पीशीज लड़ाई नहीं करेंगी ना, ये वो स्पीशीज हैं विच आर शेयरिंग कॉमन हैबिटेट, एक ही जगह पर रह रही है तभी लड़ाई करेंगी, अदरवाइज क्यों लड़ाई करेंगी? इंट्रा स्पेसिफिक अपनी ही साथियों से लड़ाई, महाभारत, राइट? सो इट इज फाउंड इन अ स्पीशीज इटसेल्फ। वहां लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई द्रौपदी ने कराई थी, राइट? सो देर इज देर वॉज वन ऑफ द रीजन, राइट? और इसके अलावा जगह की तो लड़ाई थी ही, राइट? सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रगल फॉर बोथ
फूड एंड रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स फॉर मेटिंग. तो दोनों में से ज्यादा बुरा स्ट्रगल कौन सा है बेटा? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, राइट. वहीं पर जो एनवायरमेंटल स्ट्रगल है, दैट इज अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, स्ट्रोम एक्सेट्रा. सब इन लड़ाइयों से कोई जीत नहीं पाया, राइट. तो ये लड़ाइयां कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं. अब इनका जी, इन लड़ाइयों से पार पाकर के ही इवोल्यूशन हुआ है. तो इन लड़ाइयों से पार पाने में मदद कौन कर रहा है? दैट इज द फोर्थ पॉइंट, वेरिएशंस. एक पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल एक जैसे बिल्कुल सेम डिट्टो नहीं होते, राइट. सो नॉट ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर सेम. यानी जब सेम नहीं है तो वेरिएशंस हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर है. दैट इज दे हैव वेरिएशंस, राइट बेटा. वेरिएशंस कभी भी खुद पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती. इनमें से कौन सी वेरिएशन चेंज हो रहे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले से अडेप्टेड है, उसे हम पॉजिटिव वेरिएशन कह सकते हैं. जो अडेप्टेड नहीं है उसे हम नेगेटिव वेरिएशन कह देते हैं, और जिसके ऊपर कोई असर नहीं है वो न्यूट्रल वेरिएशन कहलाती है, राइट. सो दीज वेरिएशंस कैन बी कंसीडर्ड पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव और न्यूट्रल एज पर देयर कंपैटिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरमेंट. राइट, मैं एग्जाम्पल देती हूँ बेटा. बहुत ही फनी सा एग्जाम्पल है. एज आई टोल्ड यू, इस चैप्टर को जितना कहानियों में पढ़ोगे, अभी मैंने डार्विन को ऐसे बता दिया कि डार्विन ने तो कुछ किया ही नहीं, तो वाज ऑल जस्ट टू टेल यू स्टोरीज, राइट. सो यहाँ पर भी एक स्टोरी सुनते हैं. मान लो आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसकी पूरी बॉडी पर ढेर सारे बाल हैं, और आप उसे भालू भालू कह के चिढ़ाते हो. बच्चा बेचारा रोज रहता है, अपने पेरेंट्स से बोलता है, रोता है उनके सामने, एंड ही इज वेरी ह्यूमिलिएटेड. बट एक दिन क्या हुआ कि अचानक से बर्फ पड़ गई गर्मी के मौसम में, एंड रास्ते सारे जाम हो गए. अब आपके पेरेंट्स आपके पास आ नहीं सकते आपके ठंड के कपड़े लेकर के, एंड यू कैन नॉट रीच देम. सो रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, उस ठंड बर्फीले माहौल में कौन बेटर अडेप्टेड है? प्री अडेप्टेड कौन है? वो भालू, राइट. सो वो सर्वाइव करेगा, और उसके जैसे और कहीं पर भालू होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे. तो एक तरीके से अभी तक जो वेरिएशन बुरी लगती थी वो वेरिएशन सडनली चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ पॉजिटिव हो गई, राइट. तो भालू भालू आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, और आगे जो नई जो बच्चे आएंगे उनके वो और बेहतर भालू निकलेंगे, बहुत सारे बालों के साथ होंगे, और जो स्पीशीज बनेंगी वो अपने एंसेस्टर्स से अलग होती चली जाएंगी. समझ में आया किस तरीके से एक नेगेटिव दिखने वाली वेरिएशन सडनली पॉजिटिव हो गई? ऐसे ये वेरिएशन एक्सट्रीमली नेगेटिव भी हो सकती है. कैसे? मान लो अचानक से हीट वेव शुरू हो जाए, और इतनी तेज हीट वेव है कि वो जो बालों वाला पर्सन है उस गर्मी को सह ही नहीं पाया, तो सबसे पहले पैरिश कौन होगा? सबसे पहले खत्म कौन होंगे? ज्यादा बालों वाले, राइट. सो नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी ऑफ वेरिएशन डिपेंड्स इंटायरली ऑन द अडेप्टेबिलिटी और द कंपैटिबिलिटी ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट. एनवायरमेंट डिसाइड करता है कि कौन सी वेरिएशन पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है. समझ में आई? सो देयर वाज जस्ट अ स्टोरी सो एज टू सजेस्ट यू, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वेरिएशंस कैसी होती है, राइट. सो मैं इसको लिख सकती हूं, दैट इज
नेचर डिसाइड्स और वी कैन से नेचर चूजेस अ वेरिएशन सो नेचर चूजेस पॉजिटिव और pre-adapted variations while rejects the negative ones. Got that, beta? So, यहां पर हुआ क्या? Here we have the survival of fittest, right? जो सबसे fit था बेटा वो survive कर जाएगा जो pre-adapted है, right? So ये जो survival of the fittest term है ये भी Darwin ने नहीं दी थी. The term survival of fittest was given by one of the followers of Darwin called Herbert Spencer. Right, तो Darwin ने इसे इस term को use किया. So survival of the fittest से क्या मतलब है बेटा? Fittest और इंडिविजुअल्स प्री अडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरमेंट सर्वाइव कर जाएंगे, यानी पॉजिटिव वेरिएशंस वाले सर्वाइव कर गए. बट यहां पे एक जरूरी चीज है बेटा, यहां पर फिटनेस का इंप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ अडेप्टेबिलिटी से नहीं है. यहां पर फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, यानी वो जो कि रिप्रोड्यूस करने में भी केपेबल हो. ऐसा ना हो कि स्टेराइल हो, फिर तो वो आगे रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, उनकी जैसी प्रोजेनी आगे नहीं जाएगी जिससे कि नई स्पीशीज बन ही नहीं पाएगी. सो यहां पर सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है, फिटनेस इंप्लाइज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, राइट? दैट मीन्स द केपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ताकि आगे स्पीशीज बन सके, राइट बेटा? तो यहां पर जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ तो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी? नेचर ने खुद सेलेक्ट किया है उस इंडिविजुअल को ताकि वो अपने जैसे और बना सके. सो देर वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म, दैट वॉज natural selection. Natural selection है क्या? Nature खुद select कर रहा है. Nature selects the fittest राइट बेटा. देयरफोर इसको कह सकते हैं कि नेचुरल सेलेक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब इससे होगा क्या बेटा? सच इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस अमंग देयर ओन काइंड
तो इससे क्या होगा, जो प्रोजिनी बनेगी वो और भी बेटर अडेप्टेड होगी। सो इसकी वजह से प्रोजिनी इज इवन बेटर अडेप्टेड टू एनवायरमेंट राइट और इसकी वजह से एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज जनरेट हो जाएंगी, न्यू स्पीशीज इज फॉर्म्ड। यानी ओवरऑल कहानी एक बार मैं जल्दी से बता दूं बेटा, डार्विन नाम के एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे जो कि रॉयल फैमिली के दरबारी हुआ करते थे। वो एचएमएस बीगल शिप के ऊपर 5 साल की समुद्री यात्रा पर गए, साउथ अमेरिका के आसपास उसके वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर मिलने वाले बहुत सारे आइलैंड्स के छोटे टुकड़े थे जिन्हें गैलापागोस आइलैंड कहा गया। वहां पर उन्होंने कुछ चीजों को नोटिस किया और अपनी उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वो वापस जब आए और समुद्री यात्रा में जो किताबें पढ़ी थी उन सब के बेसिस से उन्होंने इन्फ्रेंस बनाया और उसी के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसे डार्विनिज्म कहा गया राइट। और डार्विनिज्म के दो की पॉइंट्स थे, नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचर सेलेक्ट करता है, और ब्रांचिंग डिसेंट यानी हम सभी अपने ओरिजिनल टाइप से दूर जा रहे हैं, अपने पूर्वजों से दूर आ गए हैं बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन राइट, वी हैव ब्रांच्ड अवे। उन्होंने अपनी बात को कुछ जरूरी पॉइंट्स में, 5 पॉइंट कह सकते हो, लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैन बी मर्ज्ड, दो यहां पर अगर सिंपल से समझे तो 6 पॉइंट्स हैं। इन्होंने बोला हर ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसकी रिप्रोडक्शन की पावर बहुत ज्यादा है, पर फिर भी जो कॉन्स्टेंट कंडीशन है पॉपुलेशन की वो बनी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो उतने तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे, देर आर लिमिटिंग फैक्टर्स विच आर एक्टिंग, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंच ही नहीं पाते राइट और इसी वजह से जो रिसोर्सेज हैं जो कम ग्रो कर पा रहे हैं उसकी वजह से अस्तित्व की लड़ाई बनी हुई है। इंडिविजुअल्स अपने जैसों से भी लड़ रहे हैं, दूसरों से भी लड़ रहे हैं, एनवायरमेंट से भी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जीतेगा कौन? जो दूसरों से अलग होगा और इस चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटर अडेप्टेड होगा, यानी वेरिएशंस हैं। तो वेरिएशंस जो कि नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड हैं उन्हें हम पॉजिटिव वेरिएशंस कह देते हैं, और जो अडेप्ट नहीं कर पाए दे आर नोन एज नेगेटिव वेरिएशंस, और जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा दे आर नोन एज न्यूट्रल वेरिएशंस। इनमें से जो अडेप्टेड हैं नेचर ने उनका सिलेक्शन कर लिया यानी दैट कॉजेस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो फिट पर्सन रिप्रोडक्टिवली फिट होता है, अपने जैसे इंडिविजुअल्स के साथ में रिप्रोड्यूस करता है एंड अल्टीमेटली नई स्पीशीज बना देता है, एंड दैट कॉजेस इवोल्यूशन, जिसकी वजह से जो करंटली ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ओरिजिनल टाइप से बिल्कुल अलग होते चले गए। गॉट दैट? सो दैट वॉज अबाउट डार्विनिज्म, बट वंस अगेन डार्विनिज्म के भी कुछ कमियां थी। देर वर सर्टन पीपल हु वर इन फेवर ऑफ इट, देर वर पीपल हु वर अगेंस्ट इट। तो हम पढ़ेंगे आगे इसके क्रिटिसिज्म एंड फेवर के बारे में।